सूरा मेरे मज पम्मा डठन बिर मनी सिखा पदिंग समा ध्यानी बुद्धम मुख्य समाज की तरफ हम बढ़ते हैं। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब उनकी संख्या 14 थी। 1980 में यह 20 तक गई, फिलहाल 12 नेशनल बैंक है। 2022 की पहली तिमाही में इन बैंकों ने 15,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। अन्य धान्य की कीमतों में गिरावट के कारण ग्राहक कीमतों पर आधारित खुदरा महंगाई दर जून में 7.1% था, जो जुलाई में कम होकर 6.71% पर आ गया है। वह अभी भी आरबीआई के 6% अनुमान से ऊपर ही है। केंद्र ने पेट्रोलियम पदार्थ पर अत्यधिक कर और उपकर लगाकर अभी तक लाभांश के तौर पर 26,000 करोड़ रुपए कमाया है। विंडफुल कर के दर कम करके वह ईंधन कंपनियों को राहत दे रहा है, पर सर्वसामान्य ग्राहक को इसका कोई भी लाभ नहीं है। निर्यात मूल्य की तुलना में आयात मूल्य का कम होना इसे चालू खाते का घाटा कहते हैं। भारत का चालू खाता घाटा $31 बिलियन तक जा पहुंचा है, जो पिछले 10 सालों की तुलना में सबसे ऊंचे स्तर पर है। तो वही देश का कर्जा जीडीपी की तुलना में 82% तक जा पहुंचा है, जिसका ब्याज चुकाने के लिए रेवेन्यू का 37% भाग व्यय होता है। 2021 में 6,80,000 करोड़ और 2022 में 8,05,000 करोड़ रुपए बैच के तौर पर सरकार ने चुकाए हैं। मुद्दल जैसे कि वैसा ही है। तो सरकार जीएसटी का स्लैम बढ़ाएगी नहीं तो क्या करेगी? इसलिए तो खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगा है। बैंक के पास भरोसेमंद भांडवल और कमाई की कोई संभावना नहीं है, यह कारण गिनाते आरबीआई ने रूपी बैंक का परवाना रद्द किया है। सहकारी क्षेत्र का एक और बैंक टूट चुका है। ऐसी ही कार्रवाई सातारा जिला महाराष्ट्र की जीजा माता महिला बैंक पर भी आरबीआई ने किया था। परिणाम स्वरूप जीजा माता बैंक कोर्ट में गई और वहां जीती। इसी को आदर्श मानते हुए रूपी बैंक का प्रबंधन भी कोर्ट में जा रहा है। राजनीतिक पक्षों के सदस्य के सामने उनमें से ही अध्यक्ष पद के लिए इच्छुक सदस्य खड़े होते हैं और उनको मैं कैसा लायक हूं यह सिद्ध करना होता है, जिसमें गहमा गहमी बहस होती है और फिर वोटिंग के द्वारा सदस्य अपना अध्यक्ष चुनती है। हमारा नेता हम ही चुनेंगे, ऐसी प्रथा यूके में नहीं है, जो निष्पक्ष लोकशाही प्रजातंत्र का जीता जागता उदाहरण है। तो वही भारत में अध्यक्ष लादा जाता है या स्वयं घोषित होता है। स्वीडन की वीडम संस्था ने कहा है, भारत में लोकशाही के नाम पर चलाई जा रही व्यवस्था वास्तव में एकाधिकार शाही है। फिलहाल लोकशाही निर्देशांक में हमारा स्थान 53वां है। अपने 50 वर्ष की वकीली और कोर्ट के अनुभव पर माननीय कपिल सिप्पल जी कहते हैं, आपको लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी तो आप बहुत गलत है। क्या वाकई यह सत्य है? खादी का ध्वज हो ऐसा संकेत है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए घर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने खादी निर्माताओं को ध्वज बनाने का ऑर्डर दिया था। समय के कमी के कारण खादी निर्माताओं ने अपनी असमर्थता दर्शाई थी, इसलिए पॉलीमर से बने निर्मित तिरंगे बेचे जा रहे हैं। इस पर माननीय चीन से मंगाए कपड़ों से निर्मित ध्वज बनाए जा रहे हैं, इसमें चीन का ही फायदा हो रहा है। तो दूसरी तरफ अडानी की पॉलीमर फैक्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए ध्वज बनाए जा रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। क्या इन दावों में सच्चाई है? आरएसएस उच्च जाति की संगठना है जो चातुर्वर्ण में विश्वास रखती है। माननीय सिद्धरमैया,
आईआईटी मुंबई में फी बढ़ोतरी के खिलाफ सफल रहा आंदोलन, माननीय ललित जी बने उन 50वें सर न्यायाधीश, बिहार में बना नया गठबंधन, आने वाले समय में सफल विकल्प बनकर उभरेगा राजनीतिक पंडितों की संभावनाएं, इस सप्ताह की और कुछ खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत भर में कुल 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिनमें से केवल एक एससी एक एसटी का वाइस चांसलर है। कुल प्रोफेसर 101,005 है, जिनमें एससी 69, एसटी 15 और ओबीसी 41 है। क्या प्रतिनिधित्व पूरा हो रहा है? नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, विदेशों में उच्च शिक्षा लेने वाले एससी विद्यार्थियों को दी जाती है। भारतीय विषयों पर संशोधन करने वाले विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप का हिस्सा नहीं होंगे, कहकर अरुण महानंदा, जो ओडिशा से एससी स्कॉलर है और ओडिशा की गुनेगारी न्याय प्रणाली में पीएचडी कर रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप रोकी गई है। क्या यह न्याय संगत है या बच्चों के सपनों के साथ छेड़छाड़ी हो रही है? प्री मैट्रिक और प्रो मैट्रिक शिष्यवृत्ति पर महाराष्ट्र में भी खासकर एससी एसटी बच्चों को उत्पन्न मर्यादा का रोड़ा डालकर शिष्यवृत्ति से वंचित किया जा रहा है, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों का उत्पन्न मर्यादा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख तक की गई है और एससी एसटी 2.5 लाख में लटक रहा है। जालौर राजस्थान में दलित बच्चे ने अध्यापक के घड़े से पानी पीने के कारण अध्यापक ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या वर्ण व्यवस्था उफान पर है? सभी के सहकार्य के धन्यवाद। आपका नम्र आशीष धम्मदर्शी। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Boom.
Sangam Sirunam.